समर्थक और कार्यकर्ता ये देख सकते हैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ। भाई क्या कहेंगे, आ जाइए इधर आइए, हमारे राजा भैया जो एकदम खुला समर्थन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद, ये इनकी औकात ये राजभाई से बोलेंगी, ये राजभाई से बोलेंगी, इनकी औकात इस बार जनसत्ता दल पार्टी भी अपनी ताकत दिखा रही है और समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका पहले से भाईचारा रहा है इस बार दिखेगा, इस बार चुनाव में दिखेगा, इस बार संगम लाल गुप्ता जमानत नहीं बचा पाएंगे अपनी। जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये रैली करने, ये लाठी डंडा मार खा रहे हैं, इनके भाई भी गए थे गाड़ी तोड़ दी। यही सब हम लोग बचाने के लिए निकले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजा भैया भी इसमें लग गए हैं बचाने के लिए, जो इसको खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए राजा भैया भी हमको साथ दे समर्थन दे दिए। मैं उनका तहे दिल से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तरफा पूरी पांचों विधानसभा संगम लाल गुप्ता भारी कम से कम 5 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। राजा भैया जिंदाबाद। बाप का गेहूं नहीं जा रहा है, 2500 पार बेटा चिल्ला रहा है, 400 पार घंटा 400 पार बोल रहा है, क्या है राजा रघुराज प्रताप सिंह वहाँ हम सब और क्या अनुप्रिया पटेल जी का जो बयान आया है वो हमारे मसीहा के बारे में इतना गलत कुछ बोल गई। रघुराज प्रताप ने हर एक जात को हर एक विशेष को मौका दिया है, वो पढ़े लिखे आदमी है। राजा भैया ने आप खुद देखिए माधुरी पटेल को, पटेल बिरादरी से आती है, उनको मौका दिया है। वो अपने विधायक बाबागंज को आप देख लीजिए विनोद सरोज जी को मौका दिया है। ब्राह्मण छत्री सब एक होके राजा भैया के समर्थन में, जहाँ रघुराज प्रताप सिंह वहाँ हम। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं प्रतापगढ़ की जीआईसी ग्राउंड में, जहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो फिलहाल आए हुए हैं। अखिलेश यादव की रैली है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनसत्ता दल के लगभग हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं, खास करके समर्थक दिख रहे हैं, जो कि जनसत्ता दल का जो है वो झंडा लिए हुए हैं, पटका पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं। तो आखिर जो है वो क्या मैसेज है? हालांकि राजा भैया ने क्लियर कहा है कि जिसे जो मन कहे वोट दे, लेकिन यहाँ पर समर्थक जो है वो पूरे जोश के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जोश के साथ लोग बड़े पैमाने पर एकजुट हैं, जनसत्ता दल के जो है वो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता, ये देख सकते हैं आप पूरी तैयारी के साथ। भाई क्या कहेंगे, आ जाइए इधर आइए, हमारे राजा भैया जो एकदम खुला समर्थन में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो है बीजेपी पार्टी एकदम साफ हो जाएगी, हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी सबसे आगे जा रही है, और आपकी जो है जनसत्ता दल समर्थ एकदम इतना प्रभाव पड़ेगा, बहुत एक तरफा प्रभाव पड़ेगा, एक तरफा जीत रहे हैं पटेल, कम से कम 1-1.5 लाख से जीत जाएंगे यहाँ से, यहाँ से हमारी सीट जो है 1-1.5 लाख से निकल जाएगी। भैया क्या कहेंगे आप लोग, आज ही क्या कहेंगे राजा भैया के समर्थन के बाद प्रतापगढ़ में क्या माहौल? माहौल एकदम बिल्कुल ठीक है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रघुराज प्रताप सिंह जी जनसत्ता दल, उनके आदेशों का हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं और पूरा जी जान लगा के अपने समर्थित प्रत्याशी भाई एसपी पटेल जी को पूर्ण रूप से विजयी बनाएंगे और आने वाले समय में प्रतापगढ़ से भाजपा का एकदम पर्दाफाश होगा, पूरी तरीके से विदाई है। प्रतापगढ़ में राजा भैया का जो अपमान किया गया भाजपा के, बिल्कुल अपमान अमर्यादित शब्द बोल के अनुप्रिया पटेल ने, राजा तो राजा ही होता है, आम आदमी होता है वो भी एक बुरा मान जाता, ऐसी बातों की भाषा नहीं करनी चाहिए, वो एक बड़ी लीडर है, बड़ी नेता है, उन्होंने बोल के भाजपा का ही खाता कम कर दिया है, भाजपा की संख्या और परिवार नहीं देख रहे हैं, दूसरों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, पहले अब मैं अपना दामन देख लो, अपना परिवार देख लो। कहाँ से है? प्रतापगढ़ शहर से है। जनसत्ता समर्थक क्या लग रहा है कि आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? भैया प्रभाव आपको दिखाएंगे 4 तारीख को, आप देखिएगा इसका परिणाम क्या होगा, 4 को दिखाएंगे आपको। आप अपना परिवार नहीं देख रहे, दूसरे के ऊपर आप अफसद बोल रहे हैं, पहले आप तो जीत रहे हैं, कम से कम 2 लाख के ऊपर वोट है, 2 लाख से करके दिखाएंगे। हाँ 2 लाख कम, 2 लाख से बिल्कुल 2 लाख वोट से, 2 लाख वोट से। क्या कहेंगे भैया, कितने वोट जीत रहे हैं? हाँ भैया 2 लाख के ऊपर ही जाएंगे, 2 लाख के ऊपर। जी जी, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से खाली एक बात तो अपने कहना चाहता हूँ, ये जिस संख्या से भीड़ इकट्ठा हुई है, मैं सभी भाइयों से ही निवेदन करूंगा इसी संख्या के साथ आप लोग पूर्ण मतदान करें और जिससे वोटिंग संख्या बढ़ सके और प्रतापगढ़ का नाम एकदम रोशन हो सके। देखिए बड़े पैमाने पे जनसत्ता समर्थक के, देखिए राजा भैया लगी हुई पट्टी, जनसत्ता झंडे ही झंडे आपको दिखाई देंगे, चाहे आप जहां देखेंगे आपको जनसत्ता समर्थक झंडे ही। क्या कहेंगे? एक बात और है, भाजपा वालों ने भाड़े से आदमी लेके आते हैं दिखाने के लिए जो है, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार और सपा
ये जो है भाड़े से नहीं लेके आती है, आप जो आते हैं एकदम बिल्कुल जो है तन मन धन से आते हैं। हम वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे, वोट जो है देंगे। भाई जनसत्ता दल की झंडा में झंडा की कौन दिए इसे? हमारे राजा भैया। राजा भैया जी, तो क्या कहेंगे राजा भैया के आने से, क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। एक तरफा देखिए, आप जहाँ देखेंगे पटकी ही पटकी, जनसत्ता दल की पटकी ही दिखाई देगी। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माहौल देखते हैं, किस तरीके की जो है वो स्थिति है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है वो जनसत्तामय हो चुका है। भाई भैया क्या कहेंगे, प्रतापगढ़ में कितने वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम दो लाख वोटों से। राजा भैया के आने से क्या बहुत प्रभाव है? हम लोग पर्वतवाड़ी क्षेत्र से हैं। हाँ। जी प्रभाव पड़ेगा? जी क्या? हमारी ब्लॉक से 50,000 की लीड लेंगे। हाँ। राजा भैया के आने से चुनाव तरफ हो गया। जी हो गया, कम से कम दो लाख वोटों से जीते हैं। 2 लाख वोटों से। जी प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल ने क्या उनसे नाराजगी, क्या वो कुछ काम नहीं किए हैं क्षेत्र में? कभी दिखाई नहीं दिए, कभी नहीं दिखाई दिए जी, नहीं इसी वजह से नाराजगी है। जी और बेरोजगारी, मेन चीज बेरोजगारी है। हमारा पशु है, हमारा पशु हमारा मुद्दा होगा इस बार। जी क्या नाम हो भैया? जी राजपथ वर्मा जी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पटेलों का वोट भाजपा ले जा रही है। जी नहीं कहीं नहीं जा रहा है। अनुप्रिया का मोह भंग हो गया पटेलों का। अच्छा, वो सब इनके साथ है। क्या कहेंगे अनुप्रिया ने जो राजा भैया का, उसे कैसे देखे? उससे मतलब नहीं है, वो अनुप्रिया प्रभाव खत्म हो गया। इस बार लोकसभा 39 से यशवी पटेल 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और संगम लाल गुप्ता की इस बार ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, इस बार ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। ये 60 करोड़ की जमीन कब तक की है ये, इनका चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, देखिए कैसे जांच बैठती इनके ऊपर। ये जो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद, ये इनकी औकात ये राजा भाई तक बोलेंगी, ये राजा भाई तक बोलेंगी इनकी औकात। इस बार जनसत्ता दल पार्टी भी अपनी ताकत दिखा रही है, और समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका पहले से भाईचारा रहा है, इस बार दिखेगा, इस बार चुनाव में दिखेगा। इस बार संगम लाल गुप्ता जमानत नहीं बचा पाएंगे अपनी। जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये रैली करने, ये लाठी डंडा से मार खा रहे हैं। इनके भाई भी गए थे, गाड़ी तोड़ दी गई इनकी। रो रहे हैं सांसद जी, रो रहे हैं। जिंदगी भर रोएंगे, अभी लालगंज से रो के आए हैं ना, अभी और रोएंगे। ये आने दीजिए, बताते इनको राजा के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा। अरे राजा भैया ये हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ थे, थे और आए और रहेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय नेता जी जिंदाबाद। 24 में जाएंगे और 27 में भी जाएंगे, 24 में जाएंगे 27 में जाएंगे, इनका पूरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे भाई? मैं तो राजा भाई से एकदम फुल सपोर्ट। भाई आप सपा का जनसत्ता दोनों लिए हुए हैं। जी क्या कहेंगे? गठबंधन हो गया है। हाँ, गठबंधन हो गया जी। कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार? इस बार पूरा पड़ेगा भाई, एक तरफा। क्या कहेंगे भाई? लाहर भारी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है, चाहने वाले दूर चिलम पे। चिलम पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चिलम छाप पार्टी है। एक तरफा जीत होगी भाई? एक तरफा जीत होने जा रही है। अभी तक 7.5 साल का उनका कार्यकाल, 2.5 साल विधायक थे, 5 साल सांसद से, सिर्फ अपना विकास किए हैं। 15 बीघा जमीन लिखा लिए हैं, बाईपास जो बन रहा है घोड़े की तरफ, 5 स्टार होटल बना लिए हैं। अभी रोना रो रहे हैं, हम गुप्ता हैं, हमको क्या सांसद बनना नहीं है? अभी 5 साल कम सांसद थे, कम प्रतापगढ़ को हमको लूटे हैं, जाना जब दोनों जा रहे हैं। राजा भैया ने जो समर्थन दिया है, मैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और उसके बाद जनसत्ता भी पार्टी हमारे साथ आ गई, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आने वाले हैं, उनके साथ हमारे राजा भैया भी साथ आने वाले हैं। हाँ। मतलब राजा भैया का आने से प्रभाव पड़ेगा? राजा भैया एक तरफा चुनाव हो गया, एसपी सिंह पटेल चुनाव जीत चुके हैं, कम से कम लीड यहाँ रहेगी 5 लाख की, कम से कम 5 लाख और से जीतेंगे राजा भैया, एसपी सिंह पटेल, प्रमोद तिवारी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। गठबंधन जिंदाबाद। एक तरफा माहौल है, एक तरफा। हम कह रहे हैं अखिलेश जी राजा भैया के आने से, राजा भैया आ गए तो और बड़ा बल हो गया। और क्या, एक तरफा और क्या, राजा आ गए जानते ही हो, प्रतापगढ़ में समुंदर है, समुंदर राजनीति का। इस बार समाजवादी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। एक तरफा चुनाव है, बिल्कुल एक तरफा। लाहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। अच्छा भाई,
बिल्कुल सही बात है, सब कुछ सही है, हमेशा नशे में रहते हैं, हमेशा करते हैं। माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, ये हमेशा चिलम छाप है, नशे में बात करते हैं। रिकॉर्ड दे रहे संगमलाल गुप्ता, अभी संगमलाल गुप्ता जी, अभी हम भैया पटेल जी आए थे, वहाँ रो रहे हैं। 7.5 साल का कार्यकाल हो गया, सिर्फ जाते थे शीशा बंद करके, हाथ भी नहीं जोड़ते थे। मोदी जी कह रहे हैं 23 को चुनाव होगा, संगमलाल को 23 और कांग्रेस को 25 को चुनाव, इंडिया गठबंधन सभी महिलाओं को घर के 8,500 रुपए 8,500 रुपए खटाखट खटाखट हर महीने आने जा रहा है, साल का 1,00,000 रुपए खटाखट 8,500 खटाखट। क्या कहेंगे राजा भैया के आने से कितना प्रभाव? अरे भैया बोलना क्या है, जहाँ रघुराज प्रताप सिंह वहाँ हम सब, और क्या अनुप्रिया पटेल जी का जो बयान आया है वो हमारे मसीहा के बारे में इतना गलत कुछ बोल गई। रघुराज प्रताप ने हर एक जात को हर एक विशेष को मौका दिया है, वो पढ़े लिखे आदमी है। राजा भैया ने आप खुद देखिए माधवी पटेल को, पटेल बिरादरी से आती है, उनको मौका दिया है। वो अपने विधायक बाबागंज को आप देख लीजिए, विनोद सरोज जी को मौका दिया है, ब्राह्मण छत्री सब एक होके राजा भैया के समर्थन में, जहाँ रघुराज प्रताप सिंह वहाँ हम लोग जी, एक तरफा माहौल चलेगा। भैया यार आपको इतना बड़ा जन सैलाब दिख रहा होगा, इसका क्या माहौल बनता है आप खुद समझ जाइए। क्या कहेंगे भाई? यही संविधान बचाने का काम करेंगे, यही सब हम लोग बचाने के लिए निकले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, राजा भैया भी इसमें लग गए हैं बचाने के लिए, जो इसको खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए राजा भैया भी हमको साथ दे समर्थन दे दिए। मैं उनका तहे दिल से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तरफा पूरी पांचों विधानसभा संगमलाल गुप्ता भारी, कम से कम 5,00,000 वोट से हारने जा रहे हैं। जनसत्ता दल का पटका लिए, क्या कहेंगे राजा भैया के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? राजा भैया के आने से अच्छा वोट मिलेगा इनको, राजा भैया के आने से इनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और कई जिलों में इसका मतलब प्रभाव देखने को मिल गया। अच्छा, पांचों विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? जी सर, पांचों विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ रहा है पूरा, कांग्रेस और सपा एकजुट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा काम होगा, और इनका मतलब आज अच्छा वोट पड़ेगा 25 तारीख को। भैया अनुप्रिया ने जो बयान दिया क्या लग रहा है वो? अब भाई वो उनका व्यक्तिगत बयान होता हो सकता है, ठीक, और राजा भैया के बारे में पूरे प्रतापगढ़ जनता जनार्दन सब जानती है कि रघुराज प्रताप सिंह क्या है अपने आप में। अब ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, ये बात सत्य है, जनप्रतिनिधि पैदा होता है, हमारे राजा भैया क्या नाम होता है? क्या नाम हुआ? हमारा नाम तेजस्वी उपाध्याय है, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं राजा भैया के समर्थन में हूँ। जी कहाँ से आए? मैं पट्टी प्रतापगढ़ से आया हूँ, पट्टी विधानसभा से। जी तो क्या लग रहा है कि पट्टी विधानसभा में सपा प्रत्याशी कितने वोटों जीते? भैया वो हम नहीं बता सकते ना, वो तो जनता के ऊपर है। मैं राजा भैया के समर्थन में हूँ, जहाँ रघुराज प्रताप सिंह वहाँ मैं, हार जीत तो अपने ऊपर है, जो विधानसभा में अच्छा काम करेगा, जो प्रत्याशी अच्छा होगा वही हार जीत का फैसला तय करेगा। जी यही बगल में नगर पंचायत कोंडौर है, माननीय सांसद जी जो हैं संगमलाल गुप्ता जी वहाँ जाते हैं, वहाँ का बेड़ा गर्क कर दिए हैं, अभी प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ रो के हाथ जोड़ते हैं कि एक बार हमें और मौका दे दो, अगर एक बार वहाँ की पब्लिक और मौका दे देगी ना रोड पे ला देंगे। अच्छा। पूरा हिंदू मुस्लिम का मैटर करते हैं वहाँ जाके, यही संगमलाल गुप्ता रोड पे कौन आएगा, यही पूरी पब्लिक आ जाएगी, जनता को ला देंगे, त्रस्त कर देंगे एकदम। रो कौन रहा है? वही संगमलाल गुप्ता रो के जा रहे हैं वोट मांगने। अच्छा, रो के वोट मांग रहे हैं। मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, नहीं, मिलेगा कटोरा, कटोरा कटोरा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। कितना प्रभाव पड़ेगा? बाप का गेहूं नहीं जा रहा है 2500 पार, बेटा चिल्ला रहा है 400 पार घंटा 400 पार। अखिलेश भैया जिंदाबाद। माननीय जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे हम यशपी सिंह को सांसद बनाने जा रहे हैं और दिल्ली भेजने का काम करने जा रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जैसे राजा भैया ने भी हमें समर्थन करा है, तो राजा भैया के आने से जो मैं जनरल कैटेगरी है ये भी हमारे साथ आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक मैं पिछले हमारे जो सांसद रहे हैं माननीय जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं संगमलाल गुप्ता जी, ये पिछले विगत वर्षों से सांसद रहे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत वर्ष जो हमारे बीते हुए हैं इसमें एक दिन भी
ये हमारे क्षेत्र में नहीं दिखे हैं। और मुझे ये लगता है और मैं लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि हम ऐसे सरकार का गठन करें, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ। अब बस एक बार, अब की बार कितना पार, अब करी बार चार, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 80 सीटें, मैं आपको बता रहा हूँ एसपी सिंह, मैं विश्वनाथगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और 4.5 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं। कितना है, कितने वोटों से? अब की बार जो भाई साहब ने कहा 50,000 कम बता दिया, हम तो 5 लाख बता रहे थे। इन जो 7.5 साल का इनका कार्यकाल था, अब की बार 5 लाख पार प्रतापगढ़, पांचों विधानसभा 5 लाख पार प्रतापगढ़, 5 लाख पार होगा की बार 5 लाख पार की बार पट्टी विधानसभा से एसपी सिंह पटेल 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा। बाबा साहब का संविधान बचाना है। राजा भैया के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? राजा भैया प्रतापगढ़ किसान हैं। उन्होंने अभी प्रतापगढ़ में किसी को भी रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचाया है। राजा भैया के साथ में आने से पूरा प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, पूर्वा का पूरा एनडीए गठबंधन जीत रहा है, मजबूत है, बम्पर रोड से जीत रहा है। प्रतापगढ़ कौशाम्बी वोट बहुत अच्छी तरह से पड़ेगा, खटाखट पड़ेगा, जीतेंगे अच्छी तरह। राजा भैया के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव पड़ेगा कुछ ना कुछ प्रभाव। चलिए तो देखिए, यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि राजा भैया के आने से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देखिए जो ग्राउंड है वो लगभग आपको खचाखच दिखाई देगा। आप अपने सुझाव दीजिए इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।